इसमें दिया है x इज इक्वल टू 1 + √2 + √3, ठीक है ना। और फाइंड करना है x² - 2x - 4, ठीक है। तो हमें लगा कि इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना चाहिए, ठीक है, लेकिन x इस 1 को इधर ला के करना चाहिए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ √2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। करिए स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ से, a² + b² - 2ab, यहाँ 3 × 5 + √6। 5 जाके माइनस करेंगे तो x² - 2x - 4 = क्या आएगा, 2√6 बचेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 2√6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दो नंबर दिख रहा है सबको, थोड़ा सा डार्क कम दिख रहा होगा। 2 नंबर देखिए जरा फटाफट, क्या दिया है, a - b = 3, b - c = 5 और c - a = 1, ठीक है ना। फाइंड करना है a³ + b³ + c³ - 3abc / a + b + c, ठीक है ना। ऐसे तो मैंने सिखाया था, इसका फार्मूला होता है 1/2 a + b + c (a - b)² b - c² c - a² ठीक है ना। तो मैंने इसके बदले में यहाँ पर लिख दिया ना, a - b का वैल्यू, b - c का, c - c, ये तो कट गया, ठीक है। ये आ गया आपका 9 × 10 = 35 आ गया, हाफ ऑफ द 35 कितना होता है, 17.5, 17.5, कोई दिक्कत नहीं। नौ क्वेश्चन नंबर 3, कहा एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का दोगुना है, तो डायमीटर डबल है तो रेडियस भी क्या होगा, वही रेशियो होगा, रेशियो तो उतना ही होता है ना, 2:1। तो मान लो 2k और 1k या 2x और 1x, रेडियाई का रेशियो हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कहा कि पहले का जो लेटरल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4π r² यही ना है? हाँ ये 1k है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट का लेटरल सरफेस एरिया, पहले का लेटरल सरफेस एरिया दूसरे के वॉल्यूम के बराबर है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 π r³, यही ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 4π से 4π कट गया, यही ना, ठीक है ना, गोले का दूसरे गोले का, ठीक है ना। तो और यहां से के स्क्वायर भी कट जाएगा, 4 × 3 × k² = k³, ये 2 कट गया, 1 बच गया, k = कितना आ गया, 12। तो इसका क्या हो गया, 12 × 2 = 24, इसका हो गया 12। तो पहले वाले का रेडियस कितना हो गया, 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा सबको। ओके क्वेश्चन नंबर 4, कहा कि एक किसान 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा की, का यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर के स्पीड से पैदल तय किया और कुछ जो साइकिल से 9 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक। तो हमें पैदल का निकालना है, ठीक है ना, चलो सबको चला दो 9 के 9 घंटे साइकिल से चलाओ, तो कितना चलेगा, 81 चल जाएगा। पूरा दूरी हम साइकिल से ही चलाते
तब 81 चलता, लेकिन यहां तो 61 चला है, तो कितना एक्स्ट्रा चला? 20 एक्स्ट्रा चल गया। एक्स्ट्रा क्यों चल गया भाई? क्योंकि उसका स्पीड 4 था, सबको आपने 9 कर दिया, तो 5 एक्स्ट्रा लिया। तो 5 के स्पीड से 20 चलता है, 20 किलोमीटर चला, तो 4 के स्पीड से कितना? 5 एक्स्ट्रा लिया स्पीड ना, तो 5 से 20 चल दिया एक्स्ट्रा हो, तो उसका स्पीड रियल क्या है? 4। तो 4 से कितना चलेगा? 20 बटा में 5 गुने 4, तो ये चला 16 किलोमीटर। तो ये पैदल चला 16 किलोमीटर। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन नंबर 5। जैसे किसी व्यक्ति का जो इनकम है, जैसे मान लो उसका इनकम एक्स है, या उसके पास कितने पैसे धारा में, मान लो एक्स है, ठीक है ना, उसके पास एक्स रुपया था, ठीक है ना, तो उसने कहीं कोई गेम में पैसे लगाया, जितना जीए पैसे लगाया, सट्टा लगाया, तो जितना पैसा था उसका 75% लगा दिया, ठीक है, तो कितने बच गए? 25% बच गए। अब जो बचा हुआ था उसका 75% फिर से लगा दिया पैसे जीए में, ठीक है ना, तो कितने बच गया? फिर से 25% बच गया। अब जितना बचा हुआ था उसका फिर से 75% लगा दिया, अब जीतने का चांस नहीं इसका, तो फिर बच गया 25%। हाँ, किस्मत खराब इसका। अब वो 15 रुपये लेके घर जा रहा है, क्योंकि अब उसके पास बचे ही नहीं। अब शेष कितने बचे? 15। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो इसके पास 464, 64 × 15 कितना गया? 960। तो उसके पास कितने पैसे थे? 960 रुपया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? यहां देखिए फटाफट, कहा कि गोपी किसी वस्तु खरीदने के लिए ए से बी तक जाता है, क्योंकि बी स्थान पे 15% क्रय मूल्य कम मिलता है, 15% सस्ता है ए से, ए के कंपेयर में। तो उसने क्या किया? आने जाने किराया लग गया उसको 150 रुपया, सस्ता तो है लेकिन दूर भी तो है, 150 किराया लग गया, और उसके बाद भी वो ए के तुलना में 150 रुपया का उसको लाभ हो रहा है, 150 रुपया उसको फायदा हो रहा है। मतलब एक तो 150 रुपया ऐसे फायदा हुआ, फिर 150 रुपया ऐसे फायदा हुआ, मतलब जितना किराया लगा उतना ही, तो 15% को 2 भाग में बट गया ना उसको, जितना उसका खर्च हुआ उतना ही फायदा हुआ, तो 15% का 2 भाग में बांट दो 7.5%, तो 7.5% का उसे फायदा हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ, ठीक है ना, तो आप निकालना चाहें तो बना के दिखाता हूँ, तो ऐसे डायरेक्ट ही आ गया ना कि जितना वो खर्च कर रहा उतना ही फायदा हो रहा है, और दोनों मिलाकर एक्स रुपया खर्च किया, एक्स का ही फायदा है, तो 2x = 15% हुआ, है कि नहीं, दोनों खर्च बराबर 15%, तो एक तरफ का खर्च लाभ, लाभ तो उतने जितना खर्च है उतना ही लाभ है, तो एक्स कितना? 7.5% हो गया, है ना। या नहीं तो बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, कैसे? देखो 15% उसने देखा कि वहां सस्ता है, और वो 15% किसके बराबर है? 300 रुपये के बराबर है, है ना, 15% किसके बराबर है? 300 के। 300 कैसे हुआ? 300 150 खर्च किया और 150 फायदा अभी भी हो रहा है, तो 300 रुपये सस्ता हुआ ना वहां पर, तो 15% बराबर इतना, तो उसका पूरा मूल्य कितना था? 100%, उसका पूरा मूल्य निकाल लिया, उसका मूल्य था 2000 रुपया, ठीक, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो उसको 150 का प्रॉफिट हुआ ना, 150 का प्रॉफिट कितने पर हुआ? 2000 पे, है ना, 150 का प्रॉफिट कितने पर हुआ? 2000 पे। इसका मतलब उससे कितना परसेंट लाभ हुआ? 7.5%। ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? हाँ, अमाउंट अलग अलग होता तो मतलब थोड़ा बनाना पड़ता, लेकिन अमाउंट जितना खर्च किया उतना ही फायदा हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट मार देंगे कि एक्स रुपया खर्च किया, एक्स का ही फायदा था, 2x बचत हुआ, और वही 15% बचत के बराबर है, तो एक्स बराबर 7.5, तो लाभ 7.5% ही हुआ, ठीक है ना, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेवन, कहा एक पेड़ जो था और टूट गया, आंधी में टूट के गिर गया, जमीन पर छूता है, कितने दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर, और कितने के एंगल बनाया? 30 का एंगल बनाया, ठीक है ना। अच्छा आपको याद है कि 30 में 1 होता है, ये रूट 3 होता है और ये 2 होता है, तो रूट 3 बराबर हमको कितना दिया है? 10। तो ये पेड़ ये भाग ही तो ऊपर था, तो पूरी पेड़ की ऊंचाई कितना है? 3। तो 3 बराबर कितना होगा? 10/√3 √3, काट दो रूट 3 बार में, क्या आ गया? 10√3 मीटर। द हाइट ऑफ ट्री इज 10√3 मीटर, ठीक है ना। पेड़ की ऊंचाई 10√3 मीटर है, क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर देखिए, कहा कि किसी व्यक्ति ने किसी निजी संस्था से 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर लोन लिया और उसे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 4 साल में से 26,410 रुपये का कुल लाभ हुआ उसे, ठीक है ना। तो कितने रुपया उधार उसने लिया? तो 10% के दर से प्रिंसिपल कितना मान लेंगे? 10 मान लिया ऐसे करके, ठीक। तो यहां पर उसका ब्याज बना 1,000, 1,000, 1,000 और 1,000, यहां कितना बना? 100, यहां बनेगा 200, 10 यहां बनेगा 1,331 ना, 331, 3 और यहां से 3 और 1 है ना, तो 310 ये है ना, देखो ना, 3,310, 1 0 काट दिया तो 3,310। तो यहां से उसके घर में कितने पैसे आए? तो देखो 4,000, 3 2 5, 641 उसके आएंगे, लेकिन वो 10,000 हमने प्रिंसिपल माना, उसने तो कहीं से लोन लिया था, लेकिन तो 5% पर लिया, तो 4 साल का ब्याज उसे कितने बनेंगे? उसके तो 2,000 ही बनेंगे ना। तो हमको आगे देना है 2,000 रुपया और हमारे पास आया 4,641 रुपया, तो हमको जो बचेगा वो फायदा हो जाएगा, हमने कहीं से लोन लिया था और हमने किसी को दे दिया, तो कितने का फायदा होता? 2641 का फायदा हुआ, ठीक है। और ये जो फायदा हुआ यही हमें 26,410 फायदा दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा सम 10,000 बराबर 26,410 2641 × 10,000, ये 10 बार में कट गया। कहने का मतलब प्रिंसिपल कितना है? 1,00,000 रुपया, क्या है? 1,00,000, ठीक है ना, 1,00,000 रुपया अपना प्रिंसिपल है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन में क्या है कि पॉपुलेशन 15,000, मेल का बढ़ा 8%, फीमेल का बढ़ा 10%, हमें फीमेल का ही निकालना है, तो डायरेक्ट हम मेल का निकाल लें। देखो 15,000 टोटल पॉपुलेशन है, मान लो सबका 8% ही बढ़ता, मेल का भी 8% और फीमेल का भी 8% बढ़ता, ठीक है, तो फिर कितना बढ़ता? 120, 1,200 बढ़ता, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन कितना बढ़ जाता? 1,200, सब मिलाकर मेल का भी 8% मान लिया, फीमेल का भी 8% मान लिया, तो पॉपुलेशन कितना बढ़ जाता? 1,200 बढ़ जाता, ठीक है ना। लेकिन यहां तो बढ़ा है 1,300, क्योंकि 15,000 से 16,300 हो गया, तो पॉपुलेशन बढ़ा कितना? 1,300 ना, तो इसका मतलब 100 तो कम बढ़ा, क्यों? क्योंकि 8% पुरुष का और महिलाओं का जनसंख्या 10% था, तो 2% एक्स्ट्रा हो गया ना, 2% कम हुआ,
2% जहां कम है, यही 2% 100 के बराबर है, ठीक है ना। तो 100% पूरी महिलाओं की जनसंख्या कितना था, तो हम यहां से 100% निकालेंगे, 50 × 100 कितना आ गया, 5000। तो फीमेल कितने थी बताओ, फीमेल 5000 थी, ठीक है ना, 5000 फीमेल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, बिल्कुल बात नहीं करें, ठीक है ना, ठीक है, तैयार हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर यह दिया है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, इसके एंगल बी का है ना, बी का बाइसेक्टर बीसी के पैरेलल लाइन को ऐसे काट दिया, कहां पे काटा, डी पॉइंट पे काटा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ध्यान देना, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, समद्विभाजक, और ये हमें 50 डिग्री दिया है, तो ये पूरा यहां क्या हो, 130 हो जाएगा, बाहर वाला पूरा कितना हो जाएगा, 130, तो ये कितना आ गया, 65 आया। अब ये 50 है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि इसके पैरेलल है ये, ठीक है ना, तो अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, सबको जोड़िए कितना हो गया, 115, तो ये कितना बच गया, 65 बच गया क्या, ओह वेरी गुड, तो ये हो गया 65 डिग्री, तो एंगल डी यहां पर क्या है, 65 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जादू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, 11 में है कि इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना, -1 और 3 से होकर गुजरती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमारा -1, 3 हो गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस से 4 यूनिट पे है, तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया, है ना, 4 और 0 क्या हो गया, 4 और 0, ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 और 0, क्लियर, समझ में आ रहा बात। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू तो होगा ही, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 4 और 0। तो ये 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि y-y1, y2-y1 और x2-x1 और x-x1 होता है। आप इसमें किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको भी या तो इसको भी, ठीक है, कोई एक को, चलो इसी को मानता हूं। तो y- ये क्या है, y1 क्या मान लिया, 3, y2 क्या है यहां पर, 0, y1 क्या है, 3, x2 क्या हो जाएगा, 4, और x1 क्या है, बोलो, -1, तो -1 + 1 और x-1 + 1, यही ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 5 से गुना करो, 5y-15, यहां -3x - 3 उधर ले जाओ, 3x + 5y, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको उठा के इधर ले आओ, कितना आ गया, 12 × 3 = 15, तो 3x + 5y = 12 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ओके, ठीक है। इसको देखिएगा जरा फटाफट, तेजी में देखिएगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा कहानी है, नहीं इसमें वर्क हमने अलग अलग कर दिया, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना। राम हरि जो है 12 केजी है ना नारियल जो है
नट्स जो है, कुछ भी गरी जो है ना, 2 दिन में काट देता है 12 केजी, ठीक है ना, काट सकता है, लेकिन 5 दिन तक वो काम करता है, राम छोड़ देता है, ठीक है ना, हरी ना, कौन चल गया। हाँ भाई साहब, भाई साहब हमने कहा कि आप 12 केजी 2 दिन में काट सकते हैं, तो आप 1 महीना काम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा काम करेंगे, है कि नहीं। ये तो आपकी इफिशियंसी है कि आप 12 केजी 2 दिन में काटते हैं, नहीं समझ रहे बात। जैसे आप कहते हैं 1 दिन में कितना बनाते हो, तो बोलेंगे 4 पेज पढ़ते हैं 1 दिन में, तो क्या आप 500 पेज नहीं पढ़ सकते हो, दिन ज्यादा लगेगा और क्या, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। इन्हें देख के डर गया, इतने ही तो, ये तो ज्यादा दे दिया है ना। चलिए यहां देखिए, यहां पर काम अलग हो गया, जब काम सेम होता तो बड़ा आसानी से काम बन जाता, फटाफट बन जाता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, ठीक है ना, इसलिए पहले आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा बड़ा बनेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 12 केजी गरी 2 दिन में काट सकता है, जब 12 केजी मतलब 12 काम को 2 दिन में कर सकता है, तो हमें कुल कितना केजी काटना है, 58 केजी, कितना केजी काटना है, 58 केजी काटना है, तो हम 58 निकाल लेते हैं कि 58 केजी कुल काटा गया है, तो कुल 58 केजी कितने दिन में काट सकता है दोनों मिलकर, क्यों, क्योंकि वर्क हमें बराबर होना जरूरी है, दोनों वर्क बराबर होगा तभी तो करेंगे, है कि नहीं। तो 58 केजी गरी काटी गई है तो, है ना, तो 58 केजी कितने दिन में काटेगा बताइए, तो इसे काट देंगे 6 दुनी 12, 29 दुनी 58, यही ना, तो इतने दिन में वो पूरा काम कर सकता है दोनों मिलकर, क्लियर, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन काम किया, या इसे आप रेशियो से बनाएं, ठीक है ना, रेशियो से ही बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। रेशियो से कैसे बनाएंगे, जैसे एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर एक दिन में, एक एक्स काम करेगा, ये वाई काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 दिन का काम निकाल लो, है ना, या इतना दिन का काम निकालना है तो इतना दिन काम निकाल लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो है कितना दिन काम किया है उसके अकॉर्डिंग देखिए बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा हल्का सा इसमें टाइम लगेगा, आराम से देखिएगा। तो हमने कहा दोनों मिलकर इतने दिन में 58 केजी गरी काट सकता है, ठीक है, काटा कितना दिन, 5 दिन काटा, तो 5 दिन में कितना काटा होगा, तो 29 और 3 चला गया ऊपर, 15 बटा में 29, इतना तो काट दिया होगा 5 दिन में, ठीक है ना, तो कितने बच गए, ये समझ में आया सबको, इतना काम पूरे दिन में करता है, उल्टा कर देते हैं ना, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 3/29, तो 5 दिन में कितना करेगा, तो 15/29, ठीक है, इतना काम तो उसने फिनिश कर दिया दोनों मिलकर। अब कितना बच गया बताओ, 14/29 वर्क बच गया, और इस काम को कौन किया, ठीक है ना, राम करता है, 8 दिन में काट देता है, ठीक है ना, मतलब इतना काम को राम 8 दिन में खत्म करता है, ठीक है ना, तो पूरा काम को राम, पूरा काम जितना पूरा काम है उसे राम अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो पूरा काम को राम करेगा 14/29, जल से गुना करना, 4 दुनिया 8, 7 दिन 14 करो, कितना हो गया, 29 दिन 58 और 116/, इतना दिन में राम पूरा करेगा, ठीक है। देखो अब हमको हरी का निकालना है, हरी जो है दोनों मिलकर करता है 1 दिन में इतना काम, राम करता है इतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हरी का निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना, कितना आ गया, 29 × 116, यही आ रहा है ना, है, यहां गुना करो 348, और यहां गुना करो 963, 7 × 14 = 6, कितना बच गया, माइनस कीजिए फटाफट इसे, 145/29 × 116, इतना है, यही ना है, काट दो 29 से, हाँ 5 बार में, ठीक है ना, मतलब हरी जो है कितने दिन में, यहां देखिए 116
16 बटा में 5 उल्टा हो जाएगा दिन, ठीक है ना। 116 बटा 5 दिन में कितना गरी काटता है? 58 केजी, क्योंकि हम पूरा काम 58 केजी में कन्वर्ट कर दिए थे, ठीक है। इतना गरी काटने में हरी 58 केजी काटता है इतना दिन में ना, 58 के हमको कितना 10 केजी का निकालना है, तो 58 केजी काटता है 116 बटा 5 दिन में, तो 10 केजी कितने दिन में काटेगा? 116 बटा में 5, और नीचे कितना हो गया? 58, ठीक है ना, और गुने 100, सिर्फ 10 है, 5 दूनी 10 और 58 दूनी कितना ही, थोड़ा लेंदी हो गया, 4 दिन लगाता है, ठीक है ना। यहाँ काम अलग अलग है और 3 बार अलग अलग कर दिया, पहले कहा 12 केजी, फिर कह दिया 58 केजी, फिर कह दिया उसने 10 केजी कितने दिन काटेगा। यदि वर्क एक जैसा होता ना तो बड़ा आसानी से बन जाता, ठीक है ना। ओ देखिए, हाँ एक दिन का ही तो निकाले काम, सब से सब में से एक दिन काम, देखो ध्यान से बताता हूँ। देखिए 12 काम करता है, आपको ये निकालना पड़ेगा ना पहले कि 12 घड़ी काटता है 12 केजी 2 दिन में, ठीक है ना। तो हमको 58 केजी का निकालना होगा पहले, 58 केजी कितने दिन में काटेगा? इतने दिन में काटेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो 5 दिन में कितना काट दिया होगा? तो 5 दिन में 15 बट्टा में 29 काट दिया होगा, ठीक है। तो 5 दिन दोनों का काम है ना, ए और बी दोनों मिलकर, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने काम बच गया? 14 बट्टा 29 काम बच गया। अब इस काम को कौन किया? राम ने किया 8 में, तो पूरा काम राम का निकाल लिया कि पूरा काम राम कितने दिन में करेगा, तो इतने दिन में करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर इतना करता है, यहां देखो दिया है, उसमें से राम का काम माइनस कर दिया, किसका निकल गया? हरी का काम निकल गया। तो हरी का इतने दिन में करेगा, तो 58 केजी इतने दिन में काटो, 10 केजी कितने दिन में काटेगा? 10 केजी कहाँ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कहानी बड़ा है, आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितने है ये, डबल है ना ये 58 का, 58 कितना है ये, डबल ही आ रहा है ना, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 10 केजी कितने कटे? 4 दिन में कटेगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा सा ये बच जाएगा यदि आप समझदार दिखाएंगे यहाँ पर, तो कि 58 दूनी 2 डबल हो जाएगा ना डबल, तो 5 दूनी 10, 10 केजी काटने में 4 दिन लगाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन लिखना चाहेंगे तो करना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया काम अलग अलग होने के कारण से, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। इसी चक्कर में तुमसे कुछ बनेगा भी नहीं, ठीक है ना, इसी चक्कर में, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति शुद्ध रहेगा नहीं। अब यहां तीनों अलग अलग कह दिया, जो बेसिक समझता बात वही कर पाएगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक दिन का काम निकलेगा दोनों का, ठीक है ना। या तो पूरा निकालो, पूरे काम कितने दिन में करेगा? 58 काम, ठीक है ना। देखो अब 2 दिन में करता है 12 काम, 12 नारियल, तो एक दिन में करेगा कितना? 6 नारियल काटेगा, ठीक है ना, एक दिन का। तो 5 दिन में कितना काटेगा? 23 नारियल काट देगा। लेकिन ये जो आया वर्क, ये 12 नारियल के अकॉर्डिंग आ गया है ना, तो 5 दिन में कितना काट दिया? वो 30 नारियल काट दिया। काटना कितना उसको, तो कितने दिन लगे उसको? 5 दिन लगे। तुमको कितना काटने हैं? 5 दिन लगे। अब कितने बचे काटने के लिए? 28 बच गए। तो वही बात सारा, वही सारा है कि 28 बच गए यहां से, और कौन काटेगा उसको फिर? अब राम काटेगा। तो राम का इफिशियंसी कहां से फिर? नहीं मालूम ना, क्योंकि यहां टुगेदर का दिया है, यहां दोनों को मिला कर दिया है, टुगेदर तो निकाल सकते हैं आप। फिर जो बच गया वो राम किया, तो राम कितना काटा भाई? तो राम 8 दिन लगाया, तो 8 दिन में तो ऐसे निकालना पड़ेगा, इतना काटने में 8 दिन लगाया, तो एक काटने में कितना निकालना पड़ेगा? तो फिर एक दिन का राम का निकल जाएगा। कहानी कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है इसमें, ठीक है ना। ऐसे आपने किया, ठीक है ना, चुप रहो, बिना करे कुछ मत बोलो, टाइम अभी बर्बाद नहीं, ठीक है। आगे चलो, हम डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। जितना दिमाग लगाओगे लगते जाएगा तुम्हारा। चले आगे, सबका कैसे भी निकालो, कहानी यहां पर तीनों करना पड़ेगा, करके देखो फिर बताना हमें, ठीक है ना। 100 मीटर कपड़ा बेचा, ठीक है ना,
तो 32 रुपया 50 पैसे। इसको मैंने इफिशियंसी के आधार पे भी निकालना बताया था, एक्स काम करता वाई कम, उसे इफिशियंसी का रेशियो करके भी बना सकते हैं। 100 मीटर कपड़ा बेचने में 32.5 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हुआ। तो मैंने क्या कहा था, एक का कॉस्ट प्राइस एक मानने के लिए, तो इतना मीटर कॉस्ट प्राइस इतना रुपया और इतने का लाभ, तो क्या निकाल, लाभ परसेंट डायरेक्ट निकालिए, लाभ गुने 100 बटा में उसका कॉस्ट प्राइस कितने आ गए हैं, ये डायरेक्ट ही आ गया 32.5%। ठीक है ना, यहां देखो 14 नंबर फटाफट। कहा इसने कि इसमें दिया है जितना चयनित हो गया, जितना सिलेक्टेड स्टूडेंट है और जितना उसमें रिजेक्ट हो गया, ठीक है, इसका रेशियो 6:1 है। तो टोटल का हम देखेंगे 30 कम आवेदन करता तो टोटल लोग कितने होते हैं 7, और 10 का कम चयन होता तो पहले चयन कितने लोगों का हुआ था, पहले 6 का चयन होता। ये देखो 30 ये कम होते, 10 ये कम होता, ठीक है ना। तो रेशियो क्या होता, तो रेशियो होता टोटल, टोटल का होता 8 है ना, और चयनित कितना होता 7 होता, ठीक है ना, याद आ रहा सबको। या तो हम लोग इक्वेशन बना कर लें, डायरेक्ट गुना करके बना सकते हैं, 7 7 कितना हो गया 49, और 7 3 21 210, 8 6 48, ये कितना हो गया 80। इसमें कितने का डिफरेंस है 1, और यहाँ कितने का डिफरेंस आया 130 का, तो 1 बराबर 130 ही आ रहा ना। देखो दोनों माइनस में रहेगा, लेकिन जब माइनस करेंगे इसको तो डिफरेंस तो प्लस में ही लेंगे, बड़ा छोटा माइनस करेंगे, तो 130 का तो हमको निकालना क्या है, पहले कितने लोग दिए, तो 7 बराबर, तो 130 × 7 13 7 91 910 हो जाएगा, कुल 910 लोग। इक्वेशन बना के बनाना चाहें तो 7x और 9x, ये 30 कम ये 10 कम, बराबर क्या लिख देंगे 8 बटा में 7 लिख देंगे, उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 15, 15 का देखो। कहा कि एक जो है ना हेमिस्फेरिकल टाइप का कंटेनर है, ठीक है ना, अर्ध गोलाकार का, ठीक है, ये मान लो हेमिस्फेरिकल है, ठीक है ना। इसमें दिया है कि बाहर का रेडियस 8 है, अंदर क्या है 4 है, बाहर का 8 है अंदर का 4 है, ठीक है ना। इसे मेल्ड कर दिया, और मेल्ड करे क्या बनाया, कोण बनाया, शंकु बनाया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि शंकु का ऊंचाई बताइए, हाइट क्या होगा, अभी रेडियस कितना है इसका 8 है, रेडियस 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, मतलब इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बराबर इसका वॉल्यूम क्या होता है मालूम, हाफ ऑफ 4/3, या डायरेक्ट 2/3 लिख दूं, ठीक है, 2/3 पाई आर का क्यू माइनस आर का क्यू, खोखला है ना तो बाहर में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन कट गया, पाई पहले बाई, 3 से 3 कट गया, एच बराबर 2 गुने ये 500, और 4 का क्यू 64, माइनस करो कितना आ गया 4 8 4 4 8 आ गया, 4 4 8 डिवाइड बाई 8 × 8, 8 से काटो 8 5 40 और 8 6 48, 8 7 56, 7 2 14, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 16, एक बॉलर है जिसका बॉलिंग का एवरेज 12.4 है, लेकिन अगले इनिंग में 26 दिया, 5 विकेट लिया, तो एवरेज कितना हो गया 0.4 घट गया,
तो इसका मतलब 6 विकेट के अकॉर्डिंग कितना रन देना चाहिए उसको, 72 रन देना चाहिए था, 5 है ना, 5 विकेट, 5 के अकॉर्डिंग कितना रन देगा वो, 60 रन, कितना रन देगा, 60 रन देगा, ठीक है ना। लेकिन उसने दिया कितना, 26 रन दिया, तो भैया और कहां से लाया ये रन, कितना रन बताओ, 3 2 5 34, ये 34 रन कहां से लाया, तो पहले वाले से लिया, तो एक से कितना ले रहा है ये, एक से 0.4 ले रहा है, ठीक है ना। इसका बिंदी हटाओ, ऊपर 10 लाओ, 5 दुनी 17 5 85, मतलब वो पहले कितना विकेट था, तो पहले का 85 विकेट था, ठीक है ना, पहले का 85 विकेट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये देखो ध्यान से, यहां देखिए फटाफट 17 में क्या है, थोड़ा सा देखिए कि एबीसी जो है 6,000 रुपया निवेश किया, ठीक है ना, तीनों मिलकर, ए का उसमें कितना है 1,000 रुपया, और जो बच गया वो बी और सी का है, तो देखो 6,000 में 1,000 उसका है, तो 5,000 बच गया, 5,000 किसका है, बी और सी का, और 2 और 3 के रेशियो में लगाया, इसका मतलब क्या है, 2,000 रुपया ये लगाया, 3,000, देखो लाभ उसी रेशियो में मिलता है जिस रेशियो में निवेश करता है, ठीक है ना। तो हो गया, एक का 1,000 रुपया लगाया, इसने 2,000 रुपया लगाया, इसने 3,000 रुपया लगाया, ठीक है, 3 3 जो सब कट गए, तो 1:2, 2:3, तो किसका निकालना था, सी का, 3 बाई 6 गुने कितना जाता है, 2400, तो काट दो कितना आ गया, 1200, कोई दिक्कत नहीं। देखो 18 नंबर, कहा कि इसने एक्स बराबर क्यू रूट 28, वाई बराबर क्यू रूट 27, ठीक है ना। अब यहां लिखा है एक्स प्लस वाई माइनस 1/ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको लगेगा कि किसी फार्मूले का टुकड़ा है, ठीक है ना, ए क्यू बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो इसमें किसकी कमी है, ए माइनस बी की कमी है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई माइनस, ऊपर हो गया ए माइनस बी, और नीचे बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी, इसका क्यू करेंगे दोनों का क्यू, तो 28 में से 27 माइनस करो, कितना आ गया, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यहां पर इसका क्यू करेंगे 28, इसका क्यू करना 27 आ जाएगा, तो 28 माइनस 27 कितना आ जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये माइनस ये प्लस, अब ये बच गया 2y, और y का वैल्यू क्या है मालूम, यहां पर देखो 3 है ना, तो 2 3 6, क्या आंसर हो गया, 6 आंसर हो गया, ठीक है ना। कई तरीके से कर सकते हैं, फिलहाल तो अभी ऐसे ही करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या है कि 7 दिन का एवरेज है 75 का, 6 दिन का एवरेज है 72 का, इसका मतलब यह है कि जो ट्यूसडे का दिन है मंगलवार को हटा दिया, तो मंगलवार इस एवरेज में कितना बना हुआ था, 75 बना हुआ था, अब वो हट गया, उसके हटने से इनका 3 3 घट गया, तो इसका 3 इनका 1 का 3 घट रहा है, तो 6 का कितना घट गया, 18 घट गया, मतलब ये 18 उसके जाने से ट्यूजडे को निकलने से, है ना, ट्यूजडे के ज्यादा पूजा होता है भगवान का, है कि नहीं, हनुमान जी का दिन है ना, है ना, तो ट्यूजडे को निकलने से 18 फूल कम चढ़े, इसका ट्यूजडे ज्यादा चढ़े होंगे फूल, है ना, तो ट्यूजडे कितना चढ़ा हो, जोड़ो इसको 90, तो ट्यूजडे को 93 फूल चढ़े थे, ठीक है ना, इतना एक्स्ट्रा जी। ठीक है ना, यहां देखो जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा कि tan 56 किसके बराबर होगा,
ये ऑप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, कि 1056 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन सा हो रहा है इसके बराबर, ठीक है ना। हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। 45 प्लस 11 हमको इस फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, साइन कॉस के फॉर्म में, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसे 45 प्लस 11 करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, साइन बाय कॉस करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखो टैन 45 प्लस 11 कर दो तो ठीक है ना, ये बन जाएगा साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है ना, जो साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा ना साइन 45 प्लस 11 ऊपर साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, और नीचे कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर, दोनों तरह से करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है ना, और नीचे कितना है कॉस का, तो कॉस वाला में क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है ना। और 45 दोनों में सेम ही वैल्यू होता है, 45 दोनों वैल्यू क्या होता है सेम ही होता है, 1/√2 होता है 45 में, तो यहां से 1/√2 क्या जाएगा कॉमन, 1/√2 क्या जाएगा कॉमन, क्या बच गया कॉस 11 प्लस साइन 11 नीचे कॉस 11 माइनस साइन 11, ठीक है ना, ऐसे बच गया ये, ठीक है ना। ऑप्शन से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से करें जिससे वो 56 आ जाए वो आंसर, और जैसे तोड़े तो ऐसे ही तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखो कहा कि 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 25 मीटर, सीढ़ी कैसे होती है ऐसे, और कहा कि दीवार से कितना 7 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। ये बताओ 25 से 7 है तो इसकी ऊंचाई क्या हो गया 24 हो जाएगा। कहा सीढ़ी का शीर्ष भाग दीवार जो टका हुआ है 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, ठीक है ना, मतलब ऐसे ये 4 मीटर खिसकेगा तो ये दूर चला जाएगा ना, आप मेरे बात समझ रहे हैं, 4 मीटर खिसक गया तो ये कितना हो गया ये 20 हो गया, लेकिन सीढ़ी तो 25 का ही रहेगा, तो 20 15 क्या होता है 25 होता है, इसका मतलब पहले 7 था तो आया कितना खिसक गया ये 8 मीटर फिसला हो, क्यों पूरी लंबाई कितना उसका है ना, पहले यहां 7 था ना पहले, अब 15 चला गया तो कितना आगे खिसक गया ये 7 मीटर फिसल गया 8 मीटर ना, तो उसका जो है बेस जो है कितना मूव करेगा कितना चलेगा वो, तो इतना मीटर मूव करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब एपी में एंगल होता है समानांतर श्रेणी में होता है तो मिडिल एंगल हमेशा क्या होता है 60 होता है, ठीक है ना, तो अदर का सम कितना होगा 120 होगा, ठीक है, तो इसमें से लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट यह पाई डिग्री में है, सो चेंज कर रेडियन में है ना, इसको डिग्री में चेंज कर दूं, और ये 36, तो ये हो 36/6, रेशियो कितना गया, तो लार्जेस्ट एंगल कितना हुआ 120 का 5/6, तो लार्जेस्ट एंगल हो गया 100 और स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा 20, तो 100 बड़ा वाला और बीच वाला 60 और सबसे छोटा 20, तो कोई है 100 60 20, एपी में होता तो हमेशा बीच के एंगल सिखाए थे ना, बना के दिखाए हैं कि वो हमेशा 60 डिग्री होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर देखिए, अभी आप ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं ना,
उसमें भी आएगा ही है ना कि एपी में होता है, जैसे ए बी सी एपी में है, तो एक तो तीनों का एंगल सम 180 होता है, और डिफरेंस बी माइनस ए सी माइनस है ना, बी करेंगे ना तो हमेशा इक्वल आएगा, तो 2b बराबर होता है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी के बदले हम 2b लिख देते हैं, ठीक है ना। तो बीच वाला एंगल हमेशा देखो 3b बराबर कितना 180, काट दो कितना हो गया 60, तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। और अदर दो का सम कितना होगा, अदर का दो का सम 120 हो जाएगा, और 120 में से दो भागे बांट देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, स्पीड ऑफ बी, जो बी से ए की ओर जा रहा है उसका स्पीड निकाल रहा हूं, ठीक है। तो कुल दूरी है 120 किलोमीटर, कितना है 120 किलोमीटर, और मालूम है 7 बजे शुरू किया और 9 बजे पहुंच गया, कितने घंटे में, 2 घंटे में पहुंच गया। इसका स्पीड मीटर पर मिनट में लाना है, तो ये किलोमीटर में है, तो चेंज करें तो क्या ये है आपका, मैं काट देता हूं इसको पहले, रुक जाओ, कितना आ गया ये 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर में चेंज करें तो 1000, और मिनट को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 मिनट लिखेंगे, ये बन गया मीटर, 60 से 60 कट गया, 1000 मीटर पर मिनट आ गया, ठीक है ना। 24, 24 नंबर देखें फटाफट। बी से ए की ओर जाने वाला कार जब 30 किलोमीटर दूर था तो उसका बताना है कि कितना बज रहा होगा उस समय, तो बताइए जब 30 किलोमीटर दूर था तो 120 में 30 बाकी है, तो कितना चल दिया होगा, 90 चल दिया होगा, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो बी से ए की ओर जाने वाला जो है वो 30 किलोमीटर दूरी पर है ना, गंतव्य स्थान से 30 किलोमीटर दूर है, तो उसमें समय कितना बज रहा होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें 90 किलोमीटर चल चुका है वो, तो 90 किलोमीटर कितने देर में चलेगा, उसका स्पीड क्या, देखो तो 60 किलोमीटर है, तो टाइम निकाल लिया कितने के, 3/2, 1.5 घंटे में, कितने घंटे में, 1.5 घंटे में तय किया होगा, चला है 7 बजे, तो 7 और 1 8:30 पर वहां पहुंचा होगा, ठीक है ना। और 25 नंबर, 9:30 बजे तक चलता है मीटिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर, तो मिला कितना बजे, कौन, ए से बी की ओर जाने वाला, तो पहले उसका स्पीड पता करो कि ए से बी ओर जाने वाला जो है पूरा 120 किलोमीटर 6 4 4 घंटे में तय किया, तो स्पीड क्या इसका 30 किलोमीटर पर आर, तो 8 बजे मिला है और 9:30 तक चला, मिलने के बाद 9:30 तक चलता रहा, तो 1.5 घंटा चला, 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो 30 का स्पीड है, 1.5 घंटे में वो चला होगा मात्र 45 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस